मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम राजेंद्र तंवर टू कैरी फॉरवर्ड दी स्टडी ऑफ साइंस इन क्लास 8। देखिए, क्लास 8 की साइंस में आज हमारा चलता हुआ जो लेसन फ्रिक्शन है वो आज हम फिनिश करेंगे। फ्रिक्शन में बहुत ही छोटे छोटे से एक दो टॉपिक हमारे पास बचे हुए हैं जिनको अभी हम कंप्लीट करते हैं एंड देन वी शैल बी टॉकिंग ऑफ समथिंग नेक्स्ट। देखिए, आज हमारे पास लास्ट टॉपिक इस लेसन में बचा हुआ है फ्लूइड फ्रिक्शन। हमने फ्रिक्शन के अनेकों टाइप पढ़ ली हैं, अनेकों का मतलब जितनी उसकी मैक्सिमम पॉसिबल टाइप्स हैं वो भी है स्टडी। अभी हम बात करेंगे फ्लूइड फ्रिक्शन की। फ्लूइड फ्रिक्शन क्या होता है? देखिए, फ्लूइड फ्रिक्शन जो है पहले को हम ये समझते हैं, फ्लूइड फ्रिक्शन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि व्हाट आर द फ्लूइड्स। फ्लूइड्स कैसे दिखते हैं, इसी लेवल पर हमें जो है फ्लूइड टॉपिक क्लियर होता है। किसी भी फ्लो करने वाली जो मैटर होती है, फ्लो करने वाला जो मैटर होता है उसको कहते हैं फ्लूइड। और फ्लो आप ये जानते हैं लिक्विड भी करते हैं और गैस भी करते हैं। तो अपन ये कहते हैं कि लिक्विड्स एंड गैसेज, लिक्विड्स एंड गैसेज टुगेदर, गैसेज टुगेदर आर कॉल्ड फ्लूइड्स। इनको ही हम मिला करके फ्लूइड्स कहते हैं। गैस और लिक्विड दोनों को ही हम फ्लूइड कहते हैं। और अब बात करते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन की, तो हम ये कहते हैं कि जो फ्लूइड्स हैं ऑल्सो एक्सर्ट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्लूइड्स ऑल्सो एक्सर्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, ठीक है, वेल ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन इट व्हेन ऑब्जेक्ट मूव्स इन इट। ऑब्जेक्ट मूव इन इट कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट इनके अंदर चलता है, फ्लूइड्स के अंदर चलता है, तो ये जो है उसके चलने का विरोध करते हैं कि फ्लूइड भी उस ऑब्जेक्ट पर फ्रिक्शन का फोर्स लगाते हैं। एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं, जैसे अभी हम बात करें एक वाटर जो है एक जगह कहीं पॉन्ड में भरा हुआ है या किसी भी जगह पर किसी वाटर बॉडी में पानी है, उस वाटर के अंदर हम कोई ऑब्जेक्ट की ड्रॉप करते हैं, तो आप ये देखते हैं कि जब तक वो हवा में था तब तक वो तेज गति से चलता है, लेकिन जो ही वो पानी में एंटर हो जाता है उसके बाद आप ये देखेंगे कि देन इट विल बी मूविंग स्लोली। उस समय इसकी स्पीड कम हो जाएगी, धीरे धीरे चल पाएगा। तो इसको हम कहते हैं कि भी इसका अर्थ ये हुआ कि द फ्लूइड इज अपोजिंग इट्स मोशन। फ्लूइड इसकी मोशन को अपोज कर रहा है और इसी फोर्स को फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। इसके अलावा एयर का कोई एग्जांपल ले सकते हो, अगर एयर एक बार फिर इस तरह ऑब्जर्व कर सकते हैं कि एयर अगर बहुत तेज गति से आपके सामने से आ रही है और आप व्हीकल पर जा रहे हैं, गाड़ी लेकर के चल रहे हैं, तो आपकी गाड़ी जो है प्रेशर महसूस करेगी, आपको ताकत लगानी पड़ेगी। इस चीज को विशेष रूप से ऑब्जर्व हम कर सकते हैं साइकिल में, कि एक साइकिल में जब हम सामने चला रहे होते हैं तो एयर जो है उसका विरोध करती है, इट क्लोजली अपीयर्स टू अस, ये हमें बिल्कुल साफ साफ नजर आते हैं, हम समझ पाते हैं इस चीज को। तो ये जो फ्रिक्शन हैं दीज ऑल आर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड्स आइदर एयर और लिक्विड, इसी को हम कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब देखिए इसके बाद हम आगे चलते हैं कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय द लिक्विड इज नोन एज लिक्विड फ्रिक्शन। हमें कहते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स इज कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शन, इज कॉल्ड लिक्विड फ्रिक्शन, लिक्विड फ्रिक्शन। जो लिक्विड फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं उसको हम कहते हैं लिक्विड फ्रिक्शन, और जो गैस फ्रिक्शन अप्लाई करती है उसको हम कहते हैं एयर फ्रिक्शन। एंड हम जब ओवनली कहते हैं
the frictions exerted by the air and by the liquid together are called the fluid friction. इन दोनों को मिलाकर के हम क्या कहते हैं? Fluid friction कहते हैं. तो कम से कम हमें ये बात स्पष्ट हो गई है कि fluids में friction apply करते हैं. ये वो फ्रिक्शन के कारण से हम जो है उस ऑब्जेक्ट की हो सकता विरोध करते हैं. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास हैं. इन फ्रिक्शंस को रिड्यूस करने के लिए भी हमारे पास बहुत सारे तरीके होते हैं, जिन तरीकों से हम जो है सारे फ्रिक्शन को रिड्यूस करने का की कोशिश करते हैं. रिड्यूसिंग द एयर फ्रिक्शन या रिड्यूसिंग द फ्लूइड फ्रिक्शन. हम फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस कैसे करते हैं? लेकिन फ्लूइड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए हमारे पास देखो सबसे बड़ा तरीका ही होता है, सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि फ्लूइड फ्रिक्शन को हम रिड्यूस करने के लिए ऑब्जेक्ट की जो शेप है उसमें कुछ ऐसा संशोधन करते हैं. शेप को ऐसे हिसाब से डिजाइन किया जाता है कि एयर फ्रिक्शन या लिक्विड फ्रिक्शन कम से कम लगे. जैसे आपने देखा होगा कि जो हवाई जहाज है वो आगे से इस प्रकार से बनाया जाता है, बीच में हो सकता है मोटा होता है लेकिन पीछे से फिर पतला हो जाता है. ये जो डिजाइनिंग कहलाती है जहां पर हमने दोनों एजेस पर इसको पतला किया है, ये डिजाइनिंग कहलाती है स्ट्रीमलाइन डिजाइन. स्ट्रीमलाइन डिजाइन इसको कहते हैं कि हम ऑब्जेक्ट्स को स्ट्रीमलाइन बनाने की कोशिश करते हैं. स्ट्रीमलाइन ऑब्जेक्ट बनाने से जो है इस पर फ्रिक्शन कम लगेगा. क्यों लगेगा फ्रिक्शन कम? क्योंकि इधर से जो फ्लूइड आता है वो इसकी कम से कम एरिया के कॉन्टेक्ट में टकराएगा सामने, और इसलिए जो टेंशन है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगा, कम रहेगा. तो आप ये देखेंगे जितने भी हमारे पास एयर में चलने वाले जो भी हवाई जहाज है, प्लेन है, रॉकेट है, या फिर अपन कहें कि हेलीकॉप्टर है, कोई भी चीज जो एयर में हम चलाते हैं उसको हम स्ट्रीम लाइन इसी प्रकार से डिजाइन करते होना. ये जो है रिड्यूस करने का है कि भी हमने एयर फ्रिक्शन को रिड्यूस किया. इसके अलावा देखो लिक्विड फ्रिक्शन जो होता है उसको भी रिड्यूस करने के हमारे कुछ इसी प्रकार के तरीके होते हैं. लिक्विड फ्रिक्शन में भी आपने देखा होगा कि लिक्विड फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए आप देखें विशेष रूप से कि जो स्ट्रीम जेट होते हैं, या फिर अपन ये कहें कि जो नाव होती है, तो नाव की शेप आपने देखी होगी ऐसी होती है. नाव को हमने ये शेप देकर के बनाया हुआ है, और ऐसा हम इसलिए बनाते हैं कि आगे से जो एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट उस फ्लूइड के टच में आता है कम से कम वो पहली बार. दूसरी बार हम ये करते हैं कि यहाँ से इसको स्लेटर ही बनाते हैं ताकि वो फ्लूइड इससे टकराए और फिसल जाए, इससे टकराए और फिसल जाए. तो फिसलने से क्या होगा? वो आगे निकल जाएगा. इट विल नॉट बी अपोजिंग द मोशन ऑफ दिस ऑब्जेक्ट ग्रेटर वो अपने कहीं भी ज्यादा डिस्टर्ब ये इससे नहीं कर पाएगा और फिक्सल की जो वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाएगी. इस प्रकार से अपन ये कहें ये जो है हमारे पास डिफरेंट वेज है जिनकी मदद से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं. क्योंकि ये ही हमारे रिमेनिंग टॉपिक थे इस लेसन के जिनको आज की क्लास में हमने फिनिश किया. अब मैं थोड़ा सा आपको आज की पीडीएफ में मैंने जो है इस लेसन की फिनिशिंग के साथ कुछ कॉमन जो है क्वेश्चन डाले हैं, और वो क्वेश्चन 8-9 की संख्या में है. अब उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे, उन सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको हमारे पीडीएफ में मिलेंगे. आप वहां से उनको कन्फर्म तरीके से ढूंढ सकते हैं. फिर देखिए अभी जैसे लिक्विड फ्रिक्शन की बात करते हैं, ये फ्लूइड फ्रिक्शन जो होता है इसका एक और दूसरा नाम होता है, हमने लास्ट में इसमें लिख दिया है, इसका जो फ्लूइड फ्रिक्शन को हम ड्रैग भी कहते हैं, ड्रैग बाई फ्लूइड्स, इसको हम जो है फ्लूइड फ्रिक्शन का ही दूसरा नाम है. तो आप उन क्वेश्चन को अटेंड करें भी. टूडे परहैप्स वी हैव फिनिश्ड 3 लेसन्स. आज हमारे 8th क्लास में 3 लेसन फिनिश हो गए हैं, और 4th लेसन भी शैल बी स्टार्टिंग फ्रॉम दी नेक्स्ट क्लास. यू सी पीडीएफ फ्रॉम द वीडियो डिस्क्रिप्शन. थैंक यू वेरी मच.